लोकसभा चुनाव 2019 के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिवसेना का दामन थामने वाली प्रियंका चतुर्वेदी को कौन नहीं जानता। प्रियंका चतुर्वेदी ने जैसे ही शिवसेना ज्वाइन की थी वैसे ही पार्टी ने उन्हें उपनेता के तौर पर नियुक्त कर दिया था। बता दें कि अप्रैल 2019 में प्रियंका चतुर्वेदी ने अचानक से यह बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को दिया था। वहीं इस घटना के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की जहां दूसरी तरफ आलोचना हो रही थी, वहीं एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपनी महिला कार्यकर्ता की भी संरक्षणा नहीं कर सकती। आपको बता दें कि उन्होंने शिकायत की थी राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी उनकी शिकायत की तरफ, और जिन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की थी उन्हें वापस बहाल कर दिया गया था कांग्रेस में। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी आए दिन इस बात से सुर्खियों में रहती हैं कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। आपको बता रहे हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी आए दिन अपने ट्विटर पर बीजेपी के कार्यों की सराहना करती रहती हैं, और कुछ दिनों पहले वो नरेंद्र मोदी की भी जी तोड़ तारीफ कर चुकी हैं। आपको बता रहे हैं एक समय ऐसा था जब प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की मानो कसम खाई हुई थी। जहां उन्हें मौका मिलता था पत्रकारों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो नहीं चूकती थी मोदी के ऊपर सवाल उठाने से और मोदी की नीतियों को गलत बताने के लिए। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि प्रियंका चतुर्वेदी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगी। लेकिन हाल फिलहाल एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिवसेना, जिसे उन्होंने बतौर उपनेता ज्वाइन किया था, शिवसेना उनका प्रमोशन करने जा रही है। जी हां, अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बहुत ही जल्द शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी का प्रमोशन करने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी अपनी स्पीच से शिवसेना के अंदर एक नया जोश भरने का काम कर रही है और वो अपना पूरा डेडिकेशन दिखा रही है। जहां एक तरफ लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ज्वाइन करेंगी प्रियंका चतुर्वेदी, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने शायद इस बात को भांप लिया है, इसलिए शिवसेना ने समय रहते इस बात का ऑफर किया है कि शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी का प्रमोशन करेगी, ताकि प्रियंका चतुर्वेदी कहीं शिवसेना को छोड़कर बीजेपी में ना चली जाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।